खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय से संयोजिता प्राप्त बीएड महाविद्यालय में एक ही भवन में डीएलएड और नर्सिंग आदि जैसे कोर्स संचालित कर रहे हैं। बता दें, पिछले कई दिनों से एनएसयूआई इसका विरोध कर रही है। वही एनएसयूआई ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कुलपति की शिकायत ग्वालियर कलेक्टर और आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग एनसीटीई दिल्ली से की, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए एनएसयूआई को ग्वालियर उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। दरअसल बीएड का एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है, लेकिन एफआईआर होने के बाद भी महाविद्यालय में छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे कई और डीएलएड महाविद्यालय हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही महाविद्यालय में एक और बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। इसमें महाविद्यालय संचालक छात्रों की फर्जी दस्तावेज बनाकर छत पर फर्जी बैंक खाता खुलवाकर आवास का पैसा निकाल रहे हैं, जबकि छात्रा को जो पता आवास फॉर्म में डाला गया है वो वहां पे नहीं रहते और ना ही उन छात्रों का वहां से कोई लेना देना है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। एक खास ये देखी गई थी कि एफडीआर जो 5 लाख रुपीज की एफिलिएशन की दूरी ये ली जाती है, वो भी प्री मेच्योर पीरियड में उसको ब्रेक करा लिया गया। तो निश्चित रूप से शासन को भारी राजस्व की हानि इन कॉलेजेस द्वारा अपनी कूट रचना और अपने कपटपूर्वक आचरण से पहुंचाया गया। और जो कॉलेज धरातल पर नहीं है, जिनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, उनके द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया जो आज भी चालू है। तो ये निश्चित रूप से कि जो कॉलेज धरातल पे नहीं है, अगर ये कोई सर्टिफिकेट कोई एजुकेशनल पर्पज से जारी करेंगे तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स उस कॉलेज से निकलेंगे वो प्रॉपर एलिजिबल नहीं होंगे, और जब वो समाज में जाएंगे, शिक्षक बनेंगे या नर्सिंग की अपने प्रोफेशनल फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे, तो वो सेवाएं जो समाज को प्रोवाइड करानी चाहिए अन एलिजिबल होने की वजह से वो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। जिस पर से सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, एसटीएफ भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, परंतु प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें हाईकोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट से रिगार्डिंग ये मुद्दा है, लोक शक्ति को प्रभावित करता है, तो निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे।